एक अन्य मार्ग में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो संशय जिनको है वो जाने। नीतीश कुमार जी तो फ्रंट फुट से खेलने वाले राजनेता हैं, हम पीठ पीछे कोई राजनीति नहीं करते हैं। तो हमारे नेता को कोई असमंजस की स्थिति कहेगा तो हम असमंजस वाला हैं, हम जो कहते हैं सो करते हैं। बीजेपी के साथ है या बीजेपी के साथ जा रही है? अरे हम तो बिहार की जनता के साथ और एक अन्य मार्ग में निवास कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय भोज में राजभवन पहुंचते हैं और कुछ मिनटों तक जो है राजभवन में रहते हैं, बिताते हैं। उसके बाद राजभवन से बाहर निकलते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, राजभवन में जाने के बाद कई तरह के जो है ये संशय बना हुआ था कि आखिर होगा क्या, वर्तमान की जो राजनीतिक हलचल है इसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर गए और तेजस्वी यादव इसमें शामिल नहीं हुए, तो ये संशय बना हुआ था कि आखिर हुआ क्या है, क्या क्या बात हुई है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो है राज्यसभा सांसद मनोज झा ने स्पष्टीकरण मांगा था, शाम तक जो है उन्होंने जवाब मांगा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बाहर निकल गए। इसके बाद एक एक करके तमाम नेता जो है वो बाहर निकले। इसके बाद जब मीडियाकर्मी ने जो है नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के और उनसे जो है अब बात की, तो मनोज झा को लेकर के जो सवाल पूछा है कि मनोज झा ने जवाब मांगा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो जनता के साथ है। पहले सुनिए कि नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। किस बात का स्पष्टीकरण? पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा हो और आज राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने की बात की जा रही हो, तो माननीय नीतीश कुमार जी तो फ्रंट फुट से खेलने वाले राजनेता हैं, हम पीठ पीछे कोई राजनीति नहीं करते हैं। तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा कभी भी खुल सकता है राजनीति में, तो क्या आप मान के चले कि दरवाजा खुल गया? माननीय सुशील मोदी जी राज्य के वरिष्ठ राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, उस संबंध में मंतव्य तो आधिकारिक रूप से स्पष्ट वो करेंगे, लेकिन वो गंभीर राजनेता है तो उनके बयान को तो गंभीरता से लीजिएगा ही। राजद का कोई नहीं आया गवर्नर हाउस, ना तेजस्वी आए ना कोई और आए, इसे क्या समझा जाए? अब इससे तो ये तो महामहिम का कार्य क्षेत्र हुआ, मेरे अधिकार क्षेत्र। आरजेडी के साथ है या बीजेपी के साथ जा रही है? अरे हम तो बिहार की जनता के साथ और एक अन्य मार्ग में निवास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था कि राजहित में जो सही होगा वो करेंगे, तो ये सच्चाई है? बिहार की जनता को भी इस बात का एहसास है कि राजहित में जो हमने काम किया है वह तो काम बोलता है और हमारा काम बोलेगा। आरजेडी के साथ जाना है कि नहीं जाना है, क्या फाइनल हुआ है बीजेपी के साथ? अरे हम तो अभी महागठबंधन के घटक दल हैं। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनके मन में संशय हो सकता है। कोई बातचीत नहीं हुई है क्या कल? अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये बताइए, आपके पास अगर प्रस्ताव आता है बीजेपी का कि हम साथ आने को तैयार हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं? अब इस संबंध में आधिकारिक निर्णय लेने का भी अधिकार हमको नहीं है, लेकिन जहाँ तक संशय दूर करने की बात की जा रही है तो किस बात का संशय, क्यों मन में संशय है? एक अन्य मार्ग में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो संशय जिनको है वो जाने। विधायकों को बोला गया है यहाँ पटना में रहने? अरे अब कोई बोल रहे हैं तो वो जाने ना, हम लोग भी विधान परिषद के सदस्य हैं, तो सरकार बनाने और गिराने में हमारी भूमिका नहीं है, लेकिन विधानमंडल में बुलाया जाता है। बाहर से आप आ गए हैं पटना? आ गए तो हमारे नेता को कोई असमंजस की स्थिति कहेगा तो हम असमंजस वाला हैं, हम जो कहते हैं सो करते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नीरज कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और हम लोग जो है वो जनता के साथ हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान की हालात को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर इतना ही, आगे खबरों को देखते रहे लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।